आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर स्टील टाउन ग्राउंड, ठीक है ना। तो स्टील टाउन ग्राउंड की खासियत ये है कि यहाँ पर हरियाली बहुत है और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ग्राउंड के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है और जिस प्लानिंग से बनाया गया था इस ग्राउंड को, वो असल में कुछ मतलब बहुत बड़ा मंसूबा था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इस पर काम नहीं हो रहा। लेकिन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसलिए कम है कि ये शहर से बाहर है। अगर ये शहर के अंदर होता तो माइंड ब्लोइंग, इसको शायद नेशनल स्टेडियम से भी अच्छा ग्राउंड माना जाता, बट यही वजह है कि ये शहर से बाहर है। और लेकिन हम लोग भी खेलने आते हैं, काफ़ी टीमें यहाँ पर खेलने आती हैं, यहाँ फर्स्ट क्लास के मैचेस हो सकते हैं, और बल्कि हो नहीं सकते, होते आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये पूरी टीम ये चाहती है कि इस ग्राउंड के अंदर काम किया जाए, क्योंकि ये एक वाइड ऐसा ग्राउंड है, जैसे कि आपको पता है कराची में तमाम ग्राउंड आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ग्राउंड का कतलाम तो हो रहा है, मेरिट का भी कतलाम हो रहा है। यहाँ भी अगर कुछ दिनों बाद अगर हमारे हुकूमत ने, अगर PCB ने इस पर नज़र नहीं मानी, तो मे बी के ग्राउंड भी बंद हो सकता है और यहाँ पर प्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि प्लॉटिंग माफिया भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी अपील है PCB से कि इस ग्राउंड के ऊपर काम किया जाए, इसको अच्छा किया जाए। बेशक ये शहर से दूर है, बट यहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड है खेलने वाले हैं।